हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्क्रीन पे. बहुत अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन है. कह रहा है बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी वी वन फॉर वन थर्ड टाइम एंड फॉर रिमेनिंग टाइम विथ वेलोसिटी वी टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, सपोज वो ए से बी जाती है. अब सपोज ये पॉइंट सी पड़ गया अमीश में, तो कह रहा है विथ वेलोसिटी वी वन, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी है वी वन, और टाइम सपोज ले रहा है वन थर्ड. सपोज टोटल टाइम जो उसने लिया वो टी ले लिया, तो वन थर्ड टाइम कितना हो जाएगा टी बाई थ्री. सपोज ये डिस्टेंस है एक्स वन, ठीक, फिर ये सी से भी डिस्टेंस हो गया एक्स टू, वेलोसिटी हो गई वी टू, और टाइम हो गया रिमेनिंग टू टी बाई थ्री. क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम, तो ये हो गया वी वन इंटू टी बाई थ्री, और यहाँ डिस्टेंस क्या हो गया वी टू इंटू टू टी बाई थ्री, दैट इज टू वी टू टी बाई थ्री. अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, दैट इज एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टोटल टाइम टेकन. टोटल टाइम क्या है टी. एक्स वन कितना आ गया वी वन टी बाई थ्री, प्लस एक्स टू कितना आ गया टू वी टू टी बाई थ्री अपॉन टोटल टाइम टी. अब इन सब में कॉमन क्या है, टी कॉमन है, टी बाहर आ जाएगा, टी बाहर आ गया, तो यहाँ बचा वी वन बाई थ्री प्लस टू वी टू बाई थ्री अपॉन यहाँ टी, टी और टी कैंसिल, तो वी वन बाई थ्री प्लस टू वी टू बाई थ्री इज द राइट आंसर. आई होप इट इज क्लियर टू यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग. बाय.